नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियों को लगातार अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं इस बार के पंचायत चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर मुखिया जी लोगों को परेशान कर सकती है। दरअसल पंचायत चुनाव में मुखिया जी की मनमानी ना चले, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला किया है। अब मुखिया जी के घर के 100 मीटर के दायरे में मतदान केंद्र नहीं बनेगा। राज्य निर्वाचन आयोग में पंचायत चुनाव के लिए मतदान केंद्र को लेकर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। आयोग ने कहा है कि कोई भी मतदान केंद्र थाना, अस्पताल, डिस्पेंसरी, मंदिर या धार्मिक महत्व के स्थानों पर नहीं होगा। किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय ना करना पड़े, इसके लिए भी ध्यान रखा जाएगा। इतना ही नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि एक ग्राम पंचायत में 2 से अधिक चलंत मतदान केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में ग्राम पंचायत क्षेत्र के बाहर दूसरे ग्राम पंचायत में मतदान केंद्र की स्थापना नहीं होगी। समाज के कमजोर वर्ग के लोग जैसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मतदाताओं को मतदान से रोके जाने की संभावना को देखते हुए उनके आवासीय क्षेत्र में ही मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। अगर मतदान केंद्र बनाने के लिए भवन की उपलब्धता नहीं है तो चलंत मतदान केंद्र बनाया जाएगा। आयोग ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी, अर्धसरकारी, सार्वजनिक भवन उपलब्ध रहने की स्थिति में अपने प्रादेशिक क्षेत्र में ही मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हर मतदान केंद्र के लिए 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का स्थान रहना चाहिए। इसके साथ ही आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को यह भी कहा है कि मतदान केंद्रों की सूची को अंतिम प्रकाशन के पहले राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन अवश्य ले लिया जाए। मतदान केंद्र की सूची का प्रकाशन ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायत समिति के मामलों में संबंधित पंचायत कार्यालय और प्रखंड कार्यालय में दी जाए। अगर उसे लेकर कोई आपत्ति है तो सूचित किए जाने की तारीख से 14 दिनों के अंदर जिला दंडाधिकारी लिखित सुझाव ले पाएंगे। आइए नजर डालते हैं बूथों की सूची की तैयारी से संबंधित तारीखों पर। आयोग द्वारा पूर्व में अनुमोदित प्रत्येक मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन दिनांक 20 जनवरी 2021 से 27 जनवरी 2021 तक है। मतदान केंद्रों की सूची का प्रारूप, प्रकाशन एवं दावे तथा आपत्तियों की प्राप्ति की तिथि दिनांक 28 जनवरी 2021 से 11 फरवरी 2021 तक है। वहीं उन आपत्तियों के निष्पादन की तिथि 29 जनवरी से 13 फरवरी तक है। सूची पूर्ण औचित्य के साथ अनुमोदन हेतु आयोग में भेजे जाने के लिए 15 फरवरी 2021 का वक्त दिया गया है। मतदान केंद्रों की सूची पर आयोग का अनुमोदन 17 फरवरी से 24 फरवरी तक किया जाएगा। संपूर्ण मतदान केंद्रों की सूची का मुद्रण 25 फरवरी से 1 मार्च तक किया जाएगा। संपूर्ण मतदान केंद्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन के लिए 2 मार्च 2021 निर्धारित किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने सभी जिलों के जिलाधिकारी से जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत के बूथों का गठन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि 2016 में आयोजित राज्य के पंचायत आम चुनाव में 1,19,000 बूथ बनाए गए थे। आयोग के अनुसार पूर्व में गठित बूथों की समीक्षा कर जहां मतदान स्थल के परिवर्तन की जरूरत है उसके लिए जिलों द्वारा पूर्ण कारण आयोग को देनी होगी। आयोग की सहमति मिलने पर ही नए स्थान पर बूथों का गठन किया जा सकेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।